Assalamu alaikum and hello guys, this is Shahzad Rasool Sajjan from MrSajjan.pk and you are watching Mr. Sajjan YouTube channel. This tutorial video is modern text animation episode 7. Text animation का सातवां episode आ चुका है और हम काफी देर के बाद ये episode लेकर आ रहे हैं. Next time कोशिश करेंगे कि time to time आप तक episode पहुंचता रहे. तो आपने text animation का promo देखा, इस तरह के text animation हम इसमें बनाने जा रहे हैं. But tutorial start करने से पहले मेरी आप लोगों से appeal है and request है कि please घर पर रहिए, safe रहिए. Corona virus नाम की बहुत खतरनाक बीमारी पूरी दुनिया को अपने अंदर समेट रही है. तो ब्राय मेहरबानी घर पर रहें, सेफ रहें, स्टे होम स्टे सेफ. चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें और ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लें. सो एनीवे हम स्टार्ट करते हैं. एज़ यूजुअल फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम क्रिएटिंग न्यू कंपोजिशन एंड नेम मेन कंपोजिशन 1920x1080 30 फ्रेम्स पर सेकेंड एंड 10 सेकेंड्स ड्यूरेशन एंड देन ओके. माउस को फॉलो करें तो आप ये टाइटल एंड एक्शन सेफ ऑप्शन देख रहे हैं. इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप टाइटल एंड एक्शन सेफ को एक्टिव कर लेंगे. टेक्स्ट टूल लेंगे, कंपोजिशन में क्लिक करेंगे और आप अपना टेक्स्ट लिखेंगे. मैं जस्ट क्लीन टाइटल लिख रहा हूँ और यहाँ पर मैं मोंटसेरेट का ब्लैक वर्जन यूज कर रहा हूँ. फॉन्ट एंड टेक्स्ट का साइज और बाकी की ऑप्शंस आप अपने हिसाब से सेट कर लेंगे जिस तरह से आपको ठीक लगे. एंकर पॉइंट को सेंटर कर लें हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली टेक्स्ट को सेंटर कर लेंगे. वर्टिकली सेंटर करने के बाद आपने एरो कीज के साथ थोड़ा सा नीचे प्लेस करना है, समथिंग लाइक दिस. आफ्टर दिस अगेन टेक्स्ट टूल लेके क्लिक करेंगे और हम अपना सेकेंड टेक्स्ट लिखेंगे. और यहाँ पर मोंटसेरेट का मैं मीडियम वर्जन यूज कर रहा हूँ. टेक्स्ट का साइज छोटा कर लेंगे हम, समथिंग लाइक दिस. एंकर पॉइंट सेंटर कर लें और यहाँ पर प्लेस करना है हमने इस टेक्स्ट को. आप यहाँ पे अपनी मर्जी का टेक्स्ट लिख सकते हैं, मैंने मिस्टर सज्जन प्रेजेंट्स लिखा है. वन बाय वन दोनों टेक्स्ट लेयर्स पर आपने राइट क्लिक करना है एंड इनको प्री कम्पोज कर लेना है. तो इसी नाम से मैं प्री कम्पोज कर रहा हूँ. क्लीन टाइटल को क्लीन टाइटल के नाम से, मूव ऑल एट्रीब्यूट्स इनटू द न्यू कम्पोजिशन और सेकेंड टेक्स्ट को भी सेम इसी तरह से आपने प्री कम्पोज कर लेना है. क्लीन टाइटल कंपोजिशन लेयर पर इफेक्ट एंड प्रीसेट से फिल अप्लाई करेंगे एंड फिल में कलर आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, बट मैं कुछ इस तरह से कलर ले रहा हूँ. ओके और सेकंड कलर को वाइट ही रखूंगा मैं, आप चाहें तो उसका भी कलर चेंज कर सकते हैं. आफ्टर दिस राउंडेड रेक्टेंगल टूल लेंगे और आप इस तरह से एक शेप क्रिएट करेंगे, समथिंग लाइक दिस. एंकर पॉइंट सेंटर एंड हॉरिजॉन्टली सेंटर. और इस शेप में हमारा फिल सॉलिड कलर एंड स्ट्रोक जीरो है. लेयर को एक्सपेंड करना है, रेक्टेंगल पाथ वन में आना है एंड राउंडनेस यहाँ पर 30 कर देना है. लेयर का नेम चेंज करके शेप वन एस प्रेस करेंगे. शेप वन लेयर पर स्केल के सामने कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन आइकॉन को डिसेबल करना है. 1 सेकंड ड्यूरेशन पर स्केल पर की फ्रेम एंड 0 ड्यूरेशन पर लेफ्ट साइड का स्केल 0% कर देना है. ओके सेलेक्ट बोथ ऑफ की फ्रेम, राइट क्लिक की फ्रेम असिस्टेंट एंड मेक इजी ईज या F9 प्रेस करेंगे आप कीबोर्ड पर. ग्राफ एडिटर में आएंगे, ग्राफ एडिटर का लुक अगर इस तरह से है तो राइट क्लिक करके पहले एडिट स्पीड ग्राफ लेंगे और ग्राफ का लुक थोड़ा सा चेंज करेंगे, समथिंग लाइक दिस. शेप लेयर पर इफेक्ट एंड प्रीसेट से फिल अप्लाई करेंगे एंड फिल में कलर वाइट. और शेप लेयर को डुप्लीकेट करना है ट्वाइस. सेंटर वाला शेप लेयर शेप टू यहाँ पर कलर हम अपने फर्स्ट टेक्स्ट वाला कर देंगे. लेबल कलर भी चेंज कर लें अगर आप चाहें तो. और तीनों शेप लेयर्स में फ्यू फ्रेम का डिस्टेंस देना, समथिंग लाइक दिस. तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे एंड प्री कंपोज कर देंगे शेप वन नेम के साथ. सेकेंड टेक्स्ट की विजिबिलिटी डिसेबल कर लें फिलहाल एंड कोई लेयर सिलेक्टेड नहीं. हम रेक्टेंगल टूल लेंगे और इस तरह से एक शेप क्रिएट करेंगे, समथिंग लाइक दिस. यहाँ पर एंकर पॉइंट सेंटर कर लें और जूम इन करेंगे हम कंपोजिशन को. शिफ्ट को प्रेस करके इस शेप को आपने एनिमेटेड, ये जो शेप्स हैं हमारी राउंडेड, इसके साथ अटैच करना है. एरो कीज का यूज कर लें. शेप लेयर का नेम चेंज करके मास्क वन, मास्क वन को डुप्लीकेट करना है और ऊपर की साइड ले जाना है शिफ्ट को प्रेस करके और ऊपर की साइड जोड़ना है, समथिंग लाइक दिस. फिर टू स्क्रीन कर लें. मास्क वन को टेक्स्ट वन कंपोजिशन लेयर के ऊपर हमने प्लेस करना है. क्लीन टाइटल जिसका नेम है और क्लीन टाइटल लेयर का ट्रैक मैट अल्फा मैट कर देना है. क्लीन टाइटल लेयर को डुप्लीकेट करना प्रोजेक्ट पैनल से क्लीन टाइटल कंपोजिशन को. अगेन हमने मास्क वन के ऊपर प्लेस करना है, मास्क टू को इसके ऊपर प्लेस करना है एंड क्लीन टाइटल का अगेन ट्रैक मैट अल्फा मैट कर देना है. और क्लीन टाइटल वन जो हमारा पहला लेयर है वहाँ से फिल को कॉपी करके क्लीन टाइटल के सेकेंड लेयर पर भी
पेस्ट कर देना। मास्क वन एंड मास्क टू दोनों लेयर्स को कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करके शेप वन लेयर को इनका पेरेंट कर देना और शेप वन लेयर पर पी प्रेस करना है पोजीशन के लिए एंड 1 सेकेंड एंड 10 फ्रेम्स पर पोजीशन पर की फ्रेम एंड 2 सेकेंड्स पर पोजीशन ऊपर की साइड समथिंग लाइक दिस एंड 2 सेकेंड एंड 20 फ्रेम्स पर अगेन पोजीशन नीचे की साइड। तीनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके F9 से इजी ईज एंड ग्राफ एडिटर में लुक इनका चेंज कर देंगे समथिंग लाइक दिस। ओके परफेक्ट। मास्क टू एंड क्लीन टाइटल ये आप माउस को फॉलो करें तो ये दोनों लेयर्स को हमने 2 सेकेंड्स पर ले आना है। ओके इट्स परफेक्ट। और सबसे नीचे वाले क्लीन टाइटल लेयर पर टी प्रेस करना है एंड ओपेसिटी 40 कर देना है। वाओ इट्स परफेक्ट। सेकंड टेक्स्ट जो मिस्टर सज्जन प्रेजेंट्स के नाम से है विजिबल करेंगे और इस लेयर को भी हम 2 सेकंड पर प्लेस करेंगे। तो अभी हम प्ले करके देख लेते हैं। तो जो पोजीशन के की फ्रेम्स हैं इनको हम 10 फ्रेम का डिस्टेंस देंगे। सेंटर वाला की फ्रेम 10 फ्रेम्स आगे और लास्ट वाला 20 फ्रेम्स आगे। इसी तरह से मिस्टर सज्जन प्रेजेंट्स मास्क टू एंड क्लीन टाइटल तीनों लेयर्स को भी 2 सेकंड एंड 10 फ्रेम्स पर ले आना है। अभी प्ले करके देखते हैं। वाओ इट्स परफेक्ट। सभी लेयर्स को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है एंड प्री कंपोज और कंपोजिशन का नेम इन कर देंगे। इन लेयर को डुप्लीकेट करेंगे, नीचे वाले इन लेयर पर हम नेम चेंज करके आउट कर देंगे एंड आउट लेयर पर राइट क्लिक करके टाइम एंड टाइम रिवर्स लेयर 4 सेकंड ड्यूरेशन पर इन लेयर को राइट साइड से ट्रिम करेंगे एंड 6 सेकंड एंड 15 फ्रेम्स पर आउट लेयर को लेफ्ट साइड से ट्रिम करेंगे और दोनों लेयर्स को अटैच कर देंगे इस तरह से एंड लास्ट पर एन प्रेस कर लेंगे। सो नाउ हमारा एनिमेशन जो है वो रेडी है बट हमारे सेकेंड टेक्स्ट में इशू है, ये पहले अपीयर हो रहा है। तो हम इन लेयर को ओपन करेंगे और मिस्टर सज्जन प्रेजेंट्स वाले लेयर को फ्यू फ्रेम आगे प्लेस करेंगे। इस तरह से आपने केयरफुली इसको देखना है। सो नाउ इट्स परफेक्ट। जैसे ये शेप नीचे की साइड आए उसी टाइम पे ये अपीयर होना चाहिए। मेन कंपोजिशन में आएंगे, अभी प्ले करके देखते हैं। वाओ इट्स परफेक्ट। सो गाइज ये था हमारा टेक्स्ट एनिमेशन का episode 7। एक ब्यूटीफुल सा टेक्स्ट एनिमेशन हमने Adobe After Effects में बनाया। फर्स्ट लिंक है डिस्क्रिप्शन में। इस प्रोजेक्ट फाइल को डाउनलोड करके एज इट इज आप अपने प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं। फॉन्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर जरूर फॉलो कीजिएगा। ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह निगहबान।